पंचांगुली महादेवी श्री सिमंदर शासनी अधिष्ठात्री करस्यासो शक्ति श्री तिदशेषितुहु। पंचांगुली देवी का स्थान हमारे हस्त के मध्य में है और पंचांगुली साधना करने से व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान काल का ज्ञान हो जाता है। जिस किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो, इस मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद में मात्र ध्यान कर लेने से ही सारा वृत्तांत मालूम पड़ जाता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, उक्ष, आश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र इत्यादि। तो इस प्रकार से कुल 27 नक्षत्र होते हैं, तो हस्त नक्षत्र भी इनमें से एक होता है। और विशेष रूप से ये साधना हस्तरेखा विशेषज्ञों के लिए, ज्योतिष का कार्य करने वालों के लिए और जिज्ञासु लोग या उपासकों देवी की आराधना करने वाले शक्ति उपासकों के लिए भी बड़ी ही उत्तम मानी गई है, क्योंकि इसकी उपासना हस्त नक्षत्र में आरम्भ की जा सकती है और इसके अलावा किसी भी शुभ दिन से भी साधना आरंभ की जा सकती है, जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, और किसी भी शुक्रवार से साधना आरंभ की जा सकती है और प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक भी साधना को किया जा सकता है, और इसके अलावा अपने गुरु से अभीष्ट मुहूर्त दिन देख करके साधना को आरंभ किया जा सकता है। साधना में पंचांगुली के सिद्ध यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जो कि व्यक्ति के सामने स्थापित होता है और यंत्र को बाजोट पर चावल का अष्टदल बना करके उसके ऊपर स्थापित किया जाना चाहिए, जो कि यह काम अभिजीत मुहूर्त में किया जाना चाहिए। साधना रात्रि काल में संपन्न की जाती है। रात्रि काल में घी का दीपक, जो कि शुद्ध गाय के घी का हो, उसे प्रज्वलित रखना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र साधक धारण करे, सफ़ेद धोती धारण करे और अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखे। तत्पश्चात यंत्र का पंचोपचार पूजन करके और गणेश गुरु वंदना करने के पश्चात में देवी का अपने दोनों हाथों को हथेली को सामने रख करके ध्यान करना चाहिए और ध्यान इस प्रकार से बोलना चाहिए। ओम पंचांगुली महादेवी श्री सिमंदर शासने अधिष्ठात्री करस्यासो शक्ति श्री तिदशेषितुः। इस प्रकार से पंचांगुली देवी का ध्यान करने के पश्चात अपने दोनों हाथों पर फूंक मारनी चाहिए। तत्पश्चात अपनी गुरु से ली गई माला से आप मंत्र का जप आरंभ करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो पंचांगुली पंचांगुली परशरी परशरी माता मंगल वशकरणी लोहमय दंडमयी श्री चौसठ काम्बी हंडणी रण मध्ये राउल मध्ये शत्रु मध्ये दीवान मध्ये भूत मध्ये प्रेत मध्ये पिशाच मध्ये ज्योति मध्ये डाकिनी मध्ये शंकिनी मध्ये यक्षिण मध्ये द्वेषिणी मध्ये शोकिनी मध्ये गुण मध्ये गारुडी मध्ये विनारी मध्ये दोष मध्ये दोषाशन मध्ये दुष्ट मध्ये गौर कष्ट मुजोपुरे गुरु जो कोई करावे जडे जडावे तत्चिंते चिंतावे तस्माते श्री माता श्री पंचांगुली देवी तृणवजनी धापड़म ठम ठम स्वाहा। यह देवी का सिद्ध और सिद्धि प्रदाता मंत्र सुफला मंत्र माना गया है।